सो गाइस नमस्ते एवरीवन। यू नो गाइस, आज हम बात करेंगे बिटकॉइन कैश के बारे में। बिटकॉइन कैश के बारे में क्यों बात करना है? देखो, बिटकॉइन कैश फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, आपको भी बताया, और काफ़ी लोग बिटकॉइन कैश को यू नो एक शॉर्ट ट्रेडिंग भी करते हैं। मतलब समझ लो कि आज बाय किया, एक महीने के बाद बेच दिया, या फिर आज बाय किया परसों बेच दिया। स्विंग ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं, राइट, या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं, या बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बिटकॉइन कैश के अंदर ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। तो आज के डेट में फॉर एग्जांपल, आज कोई आप ट्रेड लेते हो तो आपको कितना परसेंटेज बेनिफिट मिल सकता है बिटकॉइन कैश के अंदर, वो उसके बारे में बात करेंगे। और साथ में साथ टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हम समझेंगे प्रैक्टिकली कि जो प्रीवियस हाई था और आने वाले टाइम का जो वो किस तरह से मूव करेगा, वो सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो मेक श्योर अच्छे से वीडियो देखो और समझने का ट्राई करो। हालांकि डेडिकेटेडली मैंने बिटकॉइन कैश के बारे में कोई वीडियो नहीं बनाया था, XRP के साथ भी एक बार बनाया था, फिर उसके बाद टॉप 5 इंडियन क्रिप्टो प्रोजेक्ट और उससे सॉरी QNT बिटकॉइन कैश एंड लाइट कॉइन के साथ भी एक वीडियो बनाया था 6 महीने पहले, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि बिटकॉइन कैश के बारे में कहीं ना कहीं मैं बात प्रॉपरली एक पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर नहीं मैंने किया था, बट आज हम बात करेंगे। हालांकि बिटकॉइन कैश का जो हाइएस्ट प्राइस जो है ना, ऑल टाइम हाई, वो है 3,700 के आसपास। मतलब 6 साल पहले, यानी कि दिसंबर 2017, मतलब 2017 के अंदर ये प्रोजेक्ट उसका ऑल टाइम हाई $3,000 के आसपास, $3,700 के आसपास उसने बताया था, ठीक है। और आज की डेट में उसका जो प्राइस है वो है सिर्फ 388, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, एक और डॉलर कम हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई बिटकॉइन कैश में कितना पोटेंशियल है वो तो मतलब ऑल टाइम हाई देख के तो हम जज नहीं कर सकते, बट कहने का मतलब एक लमसम अमाउंट का मैं आपको टेक्निकली बताऊंगा कि किस तरह से होगा। देखो, ये इसका टेक्निकल चार्ट है, और समझ लो कि 2021-22 के अंदर जो बुल रन आया था ना, उसमें उसने $1,600 तक का टच किया था, ठीक है। उसके बाद वो नीचे गया, ये वाली जोन पे कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल कर रहा था, ठीक है, ये वाला, राइट, ये वाला पूरा जोन ने, मतलब समझ लो 2022 से लेके 2023 जून तक का उसने स्ट्रगल किया, उसके बाद काफ़ी अच्छा सा पंप किया, ठीक है। फिर वापस से ये वाली जो पैटर्न थी उसने ब्रेक करके वापस से वो पंप किया, और मतलब समझ लो कि वो चला गया था $730 के आसपास, ठीक है, जो कि ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस जोन था, और वहाँ से वो नीचे आ गया, ठीक है। अब ये जोन है ना, वो एक सपोर्ट जोन आ रहा है, ठीक है, और ये सपोर्ट जोन है काफ़ी बढ़िया है अपॉर्चुनिटी। ये पर्टिकुलर बिटकॉइन कैश की मैं बात करूँ, यानी कि आपको समझ लो कि 350 और 390 के बीच में ये प्रोजेक्ट मिल रहा है, ये बिटकॉइन कैश आपको मिल रहा है, तो डेफिनेटली उसको ग्रैब करना, क्योंकि आने वाला टाइम में ये वाली पोजीशन ये पकड़ेगा, मतलब 700 या 800 के आसपास डॉलर जाएगा, तो अभी आपको 100% का गेन आराम से मिल सकता है बिटकॉइन कैश के अंदर, ठीक है। ये एक शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन की मैंने बात की, ठीक है, बट फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन जिस तरह से उसका जो बुल रन का जो एक बिहेवियर है, ठीक है, बिटकॉइन का, उसी हिसाब से वो आगे बढ़ता है ना, तो डेफिनेटली बिटकॉइन आपको $1,600 से भी ज़्यादा आने वाले फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकता है, और तब आपका जो बेनिफिट होगा 300% से भी ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग टर्म की मैंने एक पर्सपेक्टिव आपको बता दिया, ठीक है। और बिटकॉइन कैसे मूव करेगा, तो भाई उसके लिए आपको बिटकॉइन को भी देखते रहना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बिटकॉइन कैश कहीं ना कहीं इज अ कॉपी ऑफ बिटकॉइन, जो ओरिजिनल बिटकॉइन है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मैंने जो बोला था बिटकॉइन के बारे में भी हमने काफ़ी टाइम बात किया है कि ये वाला ब्रेकआउट जब होगा तब बिटकॉइन आपको $59,000 के आसपास भी देखने को मिल जाएगा। तो उसी हिसाब से मैं बिटकॉइन कैश की भी बात करूँ, ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट यहाँ से लेके ये वाला जो था ना, मतलब 350 मैंने जो बोला, 350 से लेकर 90 319 के बीच में जब भी आपको बिटकॉइन कैश अच्छी पोजीशन पे मिलता है, तो थोड़ा थोड़ा करके बाई करो और एक अच्छी एवरेज वैल्यू बनाओ, ठीक है, तब जाके एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो आने वाले टाइम में बिटकॉइन कैश के अंदर भी, ठीक है। तो बिटकॉइन थोड़ा डाउन ट्रेंड के अंदर है, जिस तरह से उसकी यहाँ पे हमने ग्राफ देखा, राइट। अब इसी तरह से बिटकॉइन कैश की बात करूँ तो एक सपोर्ट लेवल पे है, राइट, तो ज़्यादा से ज़्यादातर ये जाएगा तो मतलब 350 से लेके 330 के आसपास भी जाता है, तब भी एक अच्छी बाइंग जोन बन सकती है। मतलब अभी वेट करो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिटकॉइन कैश के अंदर अभी इन्वेस्ट करो, थोड़ा बहुत वेट करो, ऑब्जर्व करो किस तरह से बिटकॉइन मूव करता है, उसके हिसाब से ही आप बिटकॉइन कैश के अंदर इन्वेस्ट करना। बाकी ये मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी, अदर जो यूट्यूबर है उनके भी वीडियो देखो और अपना खुद का दिमाग भी यूज़ करो,
ठीक है, किसी पे भी भरोसा मत करो क्योंकि क्रिप्टो है ही ऐसी चीज़। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।